70वीं बीपीएससी के मद्देनजर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर बीपीएससी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है और प्रेस नोट जारी भी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, और उसमें कहा गया है कि आगामी जो परीक्षा होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी जो चूक बीपीएससी से हुई है, जो लेटर बीपीएससी ने आज जारी किया है, वही लेटर अगर 3 दिन पहले जारी कर दिया होता, जबकि सबों को पता था कि छात्र आंदोलन के मूड में है, तो इतना क्वाश नहीं होता, प्रशासन को भी इतना मशक्कत नहीं करना पड़ता, लाठी चार्ज की नौबत नहीं आती और गिरफ्तारियां जो हुई है उसकी नौबत नहीं आती, छात्र और आयोग के बीच में जो इतना कन्फ्रंटेशन है, छात्रों में जो ये असंतोष है, यह भी नहीं होता। और मुझे लगता है कि बीपीएससी को जरूर पुनर्विचार करना चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। आज उठाया विनम्रता से, हमने आयोग से मांग की थी कि स्पष्टीकरण दे दीजिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, क्योंकि छात्र छात्राएं असमंजस में थे। इतने दिन बाद भी वो सुने नहीं। आज जब हमारे छात्र छात्राओं का सर फोड़ा गया, लाठी से पीटा गया, उनको खदेड़ा गया, तो अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज में देखा कि आयोग कहती है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, ये अफवाह था। तो मेरा बीपीएससी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है कि आप पहले क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया? आज जब छात्र पढ़ेगा भी, लाठी भी खाएगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा भी, वोट भी आपको देगा, ये कहां का न्याय है? आपने पहले स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? पहली बात, मैं छात्र छात्राओं के साथ खड़ा हूं और लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं सर्वर डाउन होने के कारण जो है उनको मौका नहीं मिल पाया है फॉर्म भरने का। 2-3 दिन जो है सर्वर जो है डाउन रहा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या छात्र छात्राओं की गलती है? हमारी मांग है कि सर्वर डाउन हुआ है तो उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो फॉर्म भर सके, और जो परीक्षा की जो तारीख है उसको थोड़ा दिन और बढ़ा दिया जाए और उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिले जिन लोगों ने सरकार के फेलियर, सर्वर फेलियर के वजह से फॉर्म नहीं भरा। यह हमारी मांग है। लेकिन अभी बीपीएससी का हमने चिट्ठी देखा, उसमें सर्वर को लेकर के कोई बयान नहीं है। यह पूरा रैकेट है, ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम, ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है, इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर। बिहार के मुख्यमंत्री का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, अच्छे से हंसी खुशी मंगल रिटायरमेंट ले ले, इनसे बिहार नहीं चल रहा, एक बाल इनका खत्म हो चुका है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि खुद तो रिटायर होने का उम्र हो गया, लेकिन जितने रिटायर्ड अधिकारी थे उनका एक फौज तैयार कर लिया है जो बिहार को बर्बाद करना। मैं तो इस मुद्दों को लेकर पहले कह चुका हूं, एग्जामिनेशन जो है बच्चों का जब हो तो तुरंत एग्जामिनेशन के बाद 1 महीना के अंदर आप किसी भी कीमत पर आप जांच कीजिए, रिजल्ट दीजिए, और रिजल्ट के 1 महीने के बाद उसको ज्वाइनिंग करिए। आप लंबा ज्वाइनिंग करेंगे फिर दिक्कत होगी। पहले और एग्जाम का डेट भरना चाहिए। दूसरी बात, लगातार पेपर लीक होता है, एक पेपर नहीं लगातार पेपर लीक होता है। ये पेपर लीक कब तक होगा? पेपर लीक के मामले में सरकार गंभीर नहीं है, ना दिल्ली गंभीर है,
मैंने आपको याद होगा हैशटैग नीट को लेके हम डरे थे, लेकिन बिल्कुल अभी का जो मुद्दा है 90,007 से जुड़ा मुद्दा है और सर्वर के कारण बच्चे हमारे नहीं भर पाए या नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है वो उसके साथ जुड़ गया, तो इसीलिए जो मुद्दे हैं सरकार उसकी मांग को पूरी करे। लाठी चार्ज ये गलत है, किसी भी कीमत पर बेटियों का लाठी चार्ज सही नहीं है। अब रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर और छात्र की इस तरह के किसी भी तरह के आंदोलन में अलग अलग नच ना हो और अलग अलग राजनीति ना हो। बिहार लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों पर लाठी चार्ज की जो अप्रिय घटना घटित हुआ है उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की सबना कोशिश करने वाले लोग बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में 23 सितंबर 2024 को जो विज्ञापन निकला और 28 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन देने का अवसर दिया गया, बच्चों की मांग पर 4 नवंबर तक बढ़ाया गया, अब 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करने का समय तय है एक सप्ताह के बाद। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं, अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। मैं आग्रह निवेदन करेंगे छात्रों से कि आज मोदी जी नीतीश जी की सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए और एक नए वातावरण के लिए प्रतिभा का सम्मान करने के लिए पूरी पारदर्शिता से व्यवस्था को बना रहे हैं। जो इस माहौल को भ्रम और अराजकता के वातावरण से दूषित करना चाहते हैं उसके अफवाह और भ्रम में न पड़े। कोई भी समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान सरकार करने के लिए बैठी हुई है।